ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं वीसी और आप देख रहे हैं बोन टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे जो रिलायंस का स्टॉक है उसके हाल फिलहाल सिचुएशन क्या है, कितना और नीचे जा सकता है और कहाँ इसके सपोर्ट होंगे, कहाँ इसके रेजिस्टेंस होंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो अब हम आ चुके हैं रिलायंस के चार्ट के ऊपर। तो रिलायंस की क्लोजिंग हाल फिलहाल 1444 के आसपास हुई है। अगर इसमें हम क्या है कि नीचे की ओर सपोर्ट देखें और ऊपर की ओर रेजिस्टेंस देखें, तो हाल फिलहाल आपको क्या है कि ऊपर की साइड दो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, नीचे की साइड दो सपोर्ट मिल रहे हैं। तो इसमें हम पहले सपोर्ट देख ले। तो हाल फिलहाल के हिसाब से हमारा पहला सपोर्ट क्या होगा, तो हमारा पहला सपोर्ट होगा ये राइजिंग सपोर्ट लाइन, जिसे हम ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं। तो आप देखें तो ये थोड़ी अपनी प्राइस से थोड़ी नीचे आ रही है, तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखो। तो इस लेवल के आसपास से कोई आपको ऐसा सिग्नल मिले जहां से आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकती है, तो वहां आप अपनी बाइंग कर सकते हो। बाद में अगर इसको भी ब्रेक करके नीचे चला गया तो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट आएगा, वो कौन सा लेवल होगा, तो वो लेवल होगा 1420 का लेवल। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसके लिए हम बता देते। तो आप देखे आगे, जब आप पिछली हिस्ट्री में देखते हो तो ये क्या है कि उसी लेवल के आसपास से दो बार नीचे जा चुका है। इन सिंपल वो आपका रेजिस्टेंस था, बाद में इसको ब्रेकआउट करके अबव आया, नीचे आया और उसी लाइन के आसपास से फिर से सपोर्ट लिया और अबव निकला। तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में ये 1420 का लेवल आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसा बिहेव कर सकता है। अगर मान लेते कि ये इसको भी ब्रेक करके नीचे चला गया तो हमारा दूसरा सपोर्ट कौन सा होगा, तो हमारा दूसरा सपोर्ट होगा 1325 का लेवल। ये नीचे की ओर है तो वो भी देख लेते, ये मैंने क्यों लिया, तो आप उसमें भी देख रहे हो। तो आपको इसके आगे एक बार इसने रेजिस्टेंस लिया था, दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया, ऊपर निकला, सपोर्ट लिया, बाद में ये नीचे गया, फिर से अब वो आया। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपको इस पर क्या है कि सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ दिखे। तो आपको देखना पड़ता है लाइव चार्ट में क्या हो सकता है वो सब, क्योंकि लाइव ऐसा नहीं होता कि मैंने 1420 बोल गया तो वहां से वो अबव ही जाएगा। आपको चार्ट पे देखना पड़ता है वो 1420 का जो लेवल है उसको वो कितना रिस्पेक्ट दे रहा है, वहां से कोई रिवर्सल साइन मिल रहा है, तभी आपको उसमें क्या है कि एंट्री बाय की लेनी होती है। तो देखो अपनी वॉच लिस्ट में रिलायंस को लगा के रखो, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। हाल फिलहाल इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, तो हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म या ट्रेडिंग के लिए कोई अपॉर्चुनिटी इसमें मिल जाए। तो ये हो गए सपोर्ट, और मेरे को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट लग रहा है जो ये दोनों के बीच में, वो कौन सा है, तो वो मेरा डायनेमिक सपोर्ट है, वो है 200 की मूविंग एवरेज। तो अभी हाल फिलहाल 1368 के आसपास आ रही है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये चेंज हो सकती है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये जो 200 की मूविंग एवरेज है उसको भी लगा के रखो, इस पे भी आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। बहुत अच्छे स्टॉक इस पे मोस्टली सपोर्ट लेते हैं, आपको पास्ट में भी इस पे सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। देखो एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, थोड़ा अबव से है लेकिन है, बाद में ब्रेक करके नीचे आया, बाद में अबव निकला, बाद में उसके बाद एक बार भी ये 200 के लाइन के आसपास नहीं आया। तो हो सकता है अभी ये 200 की मूविंग एवरेज पे भी सपोर्ट लेके अबव जा सकता है। तो अपनी वॉच लिस्ट में बना के रखो, बहुत अच्छा स्टॉक है, आपको डीप में मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए और ट्रेडिंग के लिए, दोनों के लिए आप अपना इसमें क्या है कि प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये हो गए हमारे सपोर्ट। अभी हम इसमें रेजिस्टेंस देखें, तो हमारा पहला रेजिस्टेंस आएगा इधर से, ये जो लाइन है ब्लू कलर की फर्स्ट, वही आएगा। वो कौन सी लाइन होगी, तो वो होगी 1500 का लेवल। अभी ये 1500 का लेवल में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप देख रहे हो इधर से एक बार थोड़ा सा पुल बैक देके नीचे आया था, फिर से अबव निकल गया, अबव जाने के बाद नीचे आया और उसी लाइन के आसपास से फिर से सपोर्ट लिया, फिर से आपको 1600 का लेवल देखने को मिला। अभी ये नीचे आया, इसको ब्रेक कर दे, तो हो सकता है इधर से अगर ये अपर जाता है तो ये आपका ये रेजिस्टेंस हो सकता है, इधर आपको रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है 1500 के लेवल के आसपास। अगर ये इसको भी ब्रेक करके अबव निकल गया तो जो हमारा लास्ट एंड आखिरी रेजिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा, तो हमारा लास्ट एंड आखिरी रेजिस्टेंस होगा वो 1600 का लेवल होगा। क्यों, क्योंकि देखो एक दो तीन बार वहां इसने रेजिस्टेंस लिया है, तो हो सकता है आगे आने वाले दिन में आपको 1600 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता हुआ दिखे। तो ये हो गए हमारी ओर से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 1420 का लेवल मेरा पहला सपोर्ट होगा, अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो जो हमारा दूसरा सपोर्ट होगा वो 1325 का लेवल होगा। मैं ऊपर रेजिस्टेंस की बात करूं तो पहला रेजिस्टेंस होगा वो 1500 का लेवल होगा, बाद में ऊपर इसके जाऊं तो 1600 का लेवल आपको दूसरा रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। तो ये हो गए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हाल फिलहाल हम RSI भी देख लेते हैं।
तो जो अभी आरएसआई का लेवल है वो 33.47 है, ये अभी ओवरसोल्ड जोन में नहीं गया हुआ है, लेकिन आपको एक दो दिन और गिरावट देखने को मिले तो आपको ये डेफिनेटली ओवरसोल्ड जोन में दिखता हुआ दिखेगा। तो ये थी रिलायंस के ऊपर मेरी पर्सनल एनालिसिस। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे, तो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।